नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, हेरा फेरी थ्री को लेकर के पिछले काफी सालों से काफी सारी चर्चाएं क्या है। हेरा फेरी थ्री हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों सिर्फ चर्चाएं हो रही है। फिल्म के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ खास खुलासा नहीं किया गया, फिल्म अभी तक आई भी नहीं है। अब दोस्तों ऐसे में हेरा फेरी थ्री को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब दोस्तों हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, जिसको देखने के बाद मूड पूरा फ्रेश जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है दोनों फिल्मों को देखने में, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी को। अब दोस्तों हेरा फेरी थ्री को लेकर के अपडेट्स हैं कि यार फिल्म आने वाली है। हालांकि अभी रिसेंटली इसके बारे में खबर आई थी कि हेरा फेरी थ्री हमें देखने को मिलेगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लेना। जैसा कि रिसेंटली फ्राइडे को अक्षय कुमार का बर्थडे था, और अक्षय कुमार ने बर्थडे के मौके पर एक बहुत ही बड़ा इशारा किया है अपने फैंस को। दरअसल सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को बर्थडे के मौके पर बड़े ही अनोखे अंदाज में उनको विश किया। सुनील शेट्टी ने लिखा, हाय राजू, हैप्पी बर्थडे रे बाबा, बहुत ही कमाल के अंदाज में सुनील शेट्टी ने विश किया अक्षय कुमार को। तो अब दोस्तों ऐसे में अक्षय कुमार ने बड़े अनोखे अंदाज में ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा, फिर थोड़ी सी हेरा फेरी कर लें, यानी कि बहुत ही अनोखे अंदाज में कहा कि यार कि फिर थोड़ी सी हेरा फेरी कर लें, मतलब इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में खबर आई थी कि इस फिल्म की जो शूटिंग है 2023 में शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, इस फिल्म की शूटिंग वगैरह कब शुरू होती है और फिल्म फाइनली हमें कब देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार की तरफ से एक इशारा समझ सकते हैं हम, एक इशारा हो चुका है कि यार हेरा फेरी थ्री हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।